तरिये गुर विचार, नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार। चार साल का बच्चा स्कूल में पढ़न जाता है, कन्ना तो थोड़ा उच्चा सुनाई देता सी, ते एक दिन पढ़ाने वाला टीचर खिज गया। उन्हें उसकी नोटबुक उत्ते एक शिकायत, एक नोटिस लिख के भेजा उसकी माँ वाल कि ये जेड़ा तेरा टॉमी है ये बिल्कुल मूर्ख है, ये कुछ नहीं सीख सकता। कुदरत नूं समझे आजे, ये जिहड़ा तेरा टॉमी है ये बिल्कुल मूर्ख है, ये कुछ नहीं सीख सकता। जदों नोटिस वाली डायरी खोली गई, माँ ने पढ़ी तो उहदा जवाब भेजिया। उस माँ ने कहन लगी, मेरा टॉमी इतना भी मूर्ख नहीं कि वह कुछ सीख ना सके, इहनूं मैं आप पढ़ावांगी। उस बच्चे का नाम सी थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। और वो बनया कदों? सिर्फ उन्हें बेसिक विद्या 3 महीने लई आ। 3 महीने स्कूल में 3 महीने गया। तो जदों माँ ने उन्होंने ज्ञान अपनी तरफ तो दिता, कदे 1914 दे विच उहदी उम्र 67 साल हो गई सी। 1914 विच उहदी उम्र 67 साल हो गई। 67 साल की उम्र का जदों होया, जिहड़ी फैक्ट्री लगाई सी उन्हें, उस फैक्ट्री नूं अग लग गई। करोड़ों डालर का जिहड़ा समान समगरी सी उहदी, मशीनरी सी उहदी, अंदर जल गई। पर जदों सारी मशीनरी नूं जलदियां वेखिया, करोड़ों डालर का नुकसान हुंदा देखिया, तो वह घबराया नहीं, वो मुस्करा रहा है देख के। क्यों मुस्करा रहा है? कहन लगा, जिन्नियां मेरियां गलतियां सन वो सारियां अग विच जल के खत्म हो गई ने। उन्हें 67 साल की उम्र विच एक नवी खोज आरंभ की और 3 हफ्तियां दे विच उन्हें वो खोज कर दिखाई। फोनोग्राम उन्हें प्रगट किया, उहदी खोज की, उन्होंने ईजाद कर दिता। 67 साल की उम्र के अंदर वो हौसला नहीं हारदा। अपना करोड़ों डालर का नुकसान होए ते भी उहदा विश्वास बनिया। वो कहन लगा, कुदरत जो करती है वो चंगा ही करती है, कुदरत कदे किसी का विरोध नहीं करती। 67 साल की उम्र के अंदर वो बंदा नवी खोज कर लैंदा है। वो गुरु की संगत, असी तो थोड़े जे दिनों विच ही धर्म की खोज करदियां करदियां ज्ञान तक पहुँचदियां पहुँचदियां हार जाने, हुण नहीं गल बननी, हौसले ढा के बह जाने। मैनूं कई सज्जणा ने गल कही, कहिंदे तुसीं ये जिहड़ा प्रोग्राम आरंभ कीता है ना, असीं वेखिया कई बार भी शुरुआत चंगा हुलारा हुंदा है, लोकां 'च उत्साह हुंदा है, हौली हौली ये उत्साह ठंडा पै जांदा है। ध्यान रखियो, ये उत्साह ठंडा नहीं पैण देना आपां। वो 67 साल की उम्र विच भी अपना स्वैमान बनाई रखता है। उहदे अंदर वो शक्ति, वो बल जिहड़ा कुदरत ने रखिया सी, उहनूं जाहिर करता है। ते असीं थोड़े जे दिनां विच हौसले हारने नहीं। इस वड्डे कारज गुरु ग्रंथ साहिब की लड़ीवार कथा विचार नूं सालां तक चलाउणा है और गुरु का आसरा लैके चलाउणा है। और जे आपां सारे उद्यम ते यतन नाल चलदे रवांगे ते सानू सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि हौसले हारियां असफल होईदा है। तुहानू पता है कि फोर्ड कार दा जिहड़ा मालक सी, हैनरी फोर्ड, जिन्हें फोर्ड गड्डियां तैयार कीतियां, फोर्ड ट्रैक्टर बनाए, जिहदी फैक्ट्री दे विच सब कुछ बनिया, उहने जदों अपनी पहली कार तैयार कीती सी ना, उहदा रिवर्स गेयर पाउणा ही भुल गया सी। वो तो जे वो कहिंदा भी मैं तो इन्नी मेहनत कीती, ये पहली कार मैनूं इन्ने साल लग गए ने खोज करदियां तैयार करदियां करदियां, तो वह हौसला हार के बह जाता भी मेरा तो खर्च सारा कीता व्यर्थ हो गया, ये रिवर्स गेयर ही नहीं लग्या मेरे कोलों। वो हारिया नहीं, उन्हें नवें सिरे तो फिर नवियां कारां तैयार कीतियां और अज तक वो सफल जी रहा है। अज तक संसार विच ओदियां बनाईयां मशीनरियां चल रही ने। गुरु की संगत, करते दी कुदरत विशाल है, अस्तित्व बहुत विशाल है, पर इस विच जीउंदियां होया मनुख ने कदे हौसला नहीं हारना कि मैं तो इन्ने दिनों तो बाणी का जप कर रहा, जपजी साहब पढ़ रहा, व्याख्या सुन रहा, अजे तो कुछ नहीं बनया। होया कि पहाड़ सदियां तो खलोते ने, हौसला नहीं हारिया उन्होंने। ऐसे ऐसे दरख्त खलोते ने जिन्हां दी हज़ारां साल उम्र हो गई है। 550 साल तो बाबे बुढ़े साहब की बेरी नूं हो गया, उस तो भी पहलां दी सी। वो साढ़े इतिहास खलोती है, दुख भंजनी बेरी खलोती है, लाची बेरी खलोती है, खलोतियां ने। गुरु नानक साहब पातशाह महाराज का रीठा खलोता है, अनगिणत दरख्त खलोते ने, पर एक गल ध्यान च रखियो, उन्होंने कदे हौसला नहीं हारिया। वो कुदरत विच ने पर वो अचेत ने। वो सजना तू तो सुचेत है, सुचेत होके हौसला ना कदे हारी, मंजिल वल वधदा रही। ये कुदरत दे विचों ही तेनों कादर प्राप्त हो जाएगा, कुदरत चों ही कादर मिलेगा, तेनों बाहर भटकण की जरूरत ही नहीं पैनी। अचेतता तो सुचेतता तक का सफर है। तुसीं अमृत बाणी विच कबीर साहब कोलों पुछ लो, वो कहिंदे सुचेत हो कबीर सूता क्या करें, बैठा रहो और जाग, सुचेत हो जा। क्योंकि ज्ञान खंड की अवस्था आ गई है, इत्थे सुचेतता की लोड़ है। ज्ञान हासिल करना है कुदरत बारे, जाणिया कुदरत दे नाद नज़ारे रंग राग सब देखने ने, पर इत्थे अटक नहीं जाना, इत्थों होर अगे वधना है। कबीर सूता क्या करें, बैठा रहो और जाग, जाके संग ते बिछरा ताही के संग लाग। हुण उथे लगाएगा कौन, भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, वस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। हालत की सी, काम क्रोध सुते हुए सी, उदों अज्ञानता विच सी, ज्ञान खंड च नहीं सी आए। तो जदों ज्ञान खंड विच आए, सुचेत हो गए, तो गुरु दे कोल चले गए, सतगुरु असीं सुत्ते हैं झंझोड़ के जगाओ। गुरु आया, जिवें सुत्ते नूं कोई झंझोड़ के जगा दे। आ बच्चा सवेरे सुत्ता हुंदा है, मां नूं पता इहने स्कूल जाना है, तो एक बार आवाज़ देंदी, कई बार आवाज़ नाल नहीं उठदा, दो आवाज़ां देंदी नहीं उठदा, अलार्म लग्या सी नहीं उठदा, मां उहनूं पकड़ के हिलांदी है, फिर नहीं उठिया, मां ने बाहों फड़िया, खिंचिया, बिठा दिता। तो कदे कदे तां पानी दे छिट्टे भी मारने पै जांदे आ। गुरु इसे तरह झंझोड़दा है। असी काम विच मस्त सी, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, असी इहदे विच मगन सी, गुरु ने झंझोड़िया। ते बंधन काट मुकत गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मूआ। दुखा विच कदे जन्मदा सी ते कदे मर जांदा सी, फिर जन्मदा सी फिर मर जांदा सी। दुख सुख करत जन्म तो लैके दुखा विच ही जीविया, दुखा विच मर गया। पातशाह कहिंदे पर जिदन पूरा गुरु जगाण वाला मिलिया, उदन अवस्था तब्दील हो गई, उदन बदल गया सुभा। दुख सुख करत जन्म फुन मूआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अगन सागर तृष्णा दी अग विच बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। बांह पकड़ी सतगुरु ने ते सानू भावजल तो कढ़ के बाहर ला दिता, दूजे किनारे ला दिता, क्योंकि ज्ञान खंड की अवस्था में सानू गुरु ने पहुंचाउणा कीता। गुरु रामदास पातशाह जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है तां लड़ीवार कथा विचार, पर मेरा दिल करदा है कि गुरु साहिब के संबंध च थोड़े जिहे मिनट विचारां जरूर सांझियां कीतियां जाण। गुरु रामदास पातशाह का जदों प्रकाश होया है 1534 विच, 1534 विच लाहौर का वो स्थान जिन्हों चूना मंडी ते चूना मंडी दे नाल लगदा डब्बी बाज़ार स्थान, जिथे गुरु रामदास पातशाह जी अज के दिन प्रगटे सन। पिता हरदास जी ते दादा ठाकुर जी, उन्हां दा जिक्र गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पाठ साहिबाना ने कीता है। पिता हरदास जी, दादा जी ठाकुर जी, माता अनूपी जी, दो तीन नाम उन्हां दे विद्वानां ने अलग अलग लिखे ने। तो जदों ग्रह विखे प्रकाश होया, आप जी नूं पता है उस वक्त 4 गुरु शरीर मौजूद सन। जदों गुरु रामदास साहब जी का प्रकाश होया है, 4 गुरु शरीर अज दे साडे विषय नाल संबंधित विचार भी है। तुसीं आखोगे किवें? अचेतता तो सुचेतता तक का सफ़र, धर्म खंड फर्ज तो ज्ञान खंड तक का सफ़र। 4 गुरु साहिबाना दे शरीर मौजूद सी। जे आप सन के आधार पर वाचांगे तो थोड़ी जी मैं रिपीट कर दें, आप समझ लेना ढंग नाल। 1469 विच गुरु नानक साहब का प्रकाश होया। 1504 विच गुरु अंगद साहब का प्रकाश होया, तवज्जो देंदे जाना। और 1479 विच श्री गुरु अमरदास साहब का प्रकाश होया। और 1534 विच गुरु रामदास साहब का प्रकाश होया। हुण गुरु नानक साहब पातशाह का सचखंड पयाना कदों होया? चेता है ना सारिआं नूं, 1539 विच। ते गुरु रामदास साहब का प्रकाश कदों होया? 1534 विच। 5 साल बाद, गुरु रामदास साहब के प्रकाश तो 5 साल बाद गुरु नानक साहब सचखंड पयाना करते हैं। 4 गुरु शरीर मौजूद सन। 10 साल गुरु अमरदास साहब गुरु नानक साहब नालों केवल 10 साल छोटे सन उम्रा विच। 1469 विच गुरु नानक साहब का प्रकाश ते 1479 विच गुरु अमरदास साहब का प्रकाश। 10 साल का वक्फा है। उम्रा विच 10 साल छोटे ने, पर तखत ते तीजे थावें जाके बहिंदे ने। गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक देव साहब महाराज के नालों 35 साल उम्रा विच छोटे सन। शरीरक उम्रा विच 35 साल छोटे ने। ते गुरु रामदास साहब गुरु नानक साहब पातशाह तो 65 साल उम्रा विच छोटे, तवज्जो देंदे जाना। क्योंकि 1469 तो 1534 तक 65 साल का यह समा बनता है। 65 साल उम्रा विच छोटे सन। हुण गुरु रामदास पातशाह भी ने, गुरु अमरदास साहब मौजूद ने, अजे गुरु नहीं बने गुरु नानक साहब दे वक्त। गुरु अंगद साहब दा तन भी मौजूद है, पर जदों गुरु नानक साहब पूर्ण ज्ञान नूं उपलब्ध हो चुके आ, परमात्मा विच एकमेक ने, उदों गुरु अमरदास साहब तीर्थां ते भटकदे फिरदे आ। अजे गुरु नहीं सी बने, अजे तीर्थां ते भटकदे फिरदे सी ना। अजे गंगा इशनान करन जांदे, अजे गल समझ नहीं आई। ਇਹਦਾ मतलब अजे तन है सी मनुखा, पर जिथे तक का ज्ञान खंड का सफ़र जिहड़ा तय होना सी अजे होया नहीं सी। गुरु अंगद साहब पातशाह का तन भी मौजूद सी, पर गुरु अंगद साहब कोल भी वो ज्ञान अजे हासिल नहीं सी होया। गुरु रामदास साहब का प्रकाश भी हो गया, पर अजे वो ज्ञान हासिल नहीं सी होया जिहड़ा होना चाहिदा सी। इसलिए गुरु नानक साहब दे वक्त 4 शरीर गुरु मौजूद ने, पर अजे ज्ञान ज्योति इक्को अंदर बल रही है। तो जिदन गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं अपनी गुरता गद्दी दिती है, तो ज्योति विचारधारा, ज्योति का अर्थ समझ लेना विचारधारा, जोत ते शरीर विच गुरु अंगद साहब दे भी सी, गुरु रामदास साहब दे भी सी। जे उस जोत का जिक्र करांगे जिहड़ी साडे तुहाडे सबना च आ, वो किहड़ी जोत है जिहड़ी गुरु नानक साहब दे तन विच ते गुरु अंगद साहब दे तन च रूपांतर होई? वो गुरबाणी रूप विचार रूपी जोत, उन्हों हजूर ने पोथियां रूप च, बाणी रूप च, विचारधारा रूप च गुरु अंगद साहब नूं सौंपिया। हुण गुरु रामदास पातशाह महाराज का प्रकाश जदों होया, बड़े लाडां नाल, चावां नाल, प्यार नाल परिवार ने उन्हां नूं पालिया। ते पाठ साहिबाना दा सवैया है, उन्होंने गुरु रामदास साहब की सिफत विच सवैया लिखिया। श्री कृष्ण का जिक्र करके वो कहिंदे, जिवें माँ जशोदा ते नंद जी ने श्री कृष्ण नूं पा लिया लाडां ते चावां नाल। इदां ही गुरु रामदास साहब दे माता पिता ने उन्हां नूं लाडां चावां नाल पालिया, पर केवल 7 साल माता पिता सिर ते रहे ने, उपरंत चलाना कर जाते हैं। सवैये विच जिक्र किया है कवल नैन मधुर बैन, ये गल श्री कृष्ण की हो रही है, पर भट्ट साहिबान श्री कृष्ण की तारीफ नहीं कर रहे। वो की कह रहे हैं, हे गुरु रामदास साहब मेरे वास्ते तुसी ही कृष्ण हो, भाव मैं तुहानू ही सब कुछ मानता हाँ। इन्हां अर्थां नूं चंगी तरह समझ लेना, कई बार अर्थाकार इस गल ते भुलेखा भी खांदे ने भी इत्थे तारीफ किसी होर दी कीती है। नहीं, गुरु रामदास साहब की तारीफ में सवैये लिखे ने, तो तारीफ केवल गुरु रामदास साहब सच्चे पातशाह की। हुण तवज्जो देना, कावल नैन नेत्र कमल दियां पंखड़ियां वर्गे ने, मधुर बैन जुबान दे जिहड़े बोल ने, बचन ने, वो बड़े मिठे ने, उन्हां दी जुबान तो मिठास झरदी है। श्री कृष्ण बड़ा मिठा बोलते, उन्हां दे नेत्र बड़े सोहणे। कावल नैन मधुर बैन कोट सैन, उन्हां दे संगी साथी, उन्हां दे निकटवर्ती, उन्हां दे नाल चलण वाले, उन्हां दे दुख विच सुख विच नाल खलोण वाले कोट सैन। संग शोभ कहत मां जशोद जिसे, दही भांत खाए जियो। जशोदा मां अपने पुत्र नूं श्री कृष्ण नूं आवाज़ देंदी है और आवाज़ दे के कहंदी, आ मेरा लाडला, मैं चावल बनाए ने, उत्ते दही पाया है, ये मिला के रखिया, मेरा पुत्र खा लै, दही भांत खाए जियो। जदों भजदे आउंदे ने तो कहिंदे ने ठुमक ठुमक करते आउंदे आ, तड़ाकी तड़ागी लक नाल बधी है। तो भट्ट साहिबान कहिंदे, गुरु रामदास साहब मेरे लिए तुसीं ही सारा कुछ हो, ये गल्लां मैं तुहाडे लई कह रहा, सिर्फ ये तां उदाहरणां दे रहा, ये गल समझण वास्ते कह रहा। हुण बचन कहे ने, देख रूप, जदों मां जशोदा श्री कृष्ण का रूप देखदी है तो होया कि मोह महा मग भई, उहदे अंदर मोह उत्पन्न हुंदा है, ते मोह दे नैया विच मोह की नदी विच वह तुरदी है, उहदे वल तकी जाती है, मेरा पुत्र बड़ा सोहना है, बड़ा प्यारा है, बड़ा लाडला है, किदां दौड़दा, किदां भजदा। पर ध्यान करियो, जदों कोई सिख गुरु रामदास दे दर्शन करता है ना, उदों उहदा मोह टुट जाता है। ध्यान करियो, श्री कृष्ण दे दीदार करदी मां जशोदा मोहग्रस्त हो जाती है। गुरु रामदास साहब दे जिसने दर्शन किए, तुसीं पढ़ो, जदों अमृत बाणी विचों ये बचन पढ़दे हो, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजणारे धारिया, सिखी अते संगती। इत्थे थोड़ा जिहा मैं रुकना चाहना, सिखी सिखा ने अते संगती, इहदा मतलब ये कोई दो चीज़ां ने, दो गल्लां ने। सिख जिहड़ा विचारधारा नूं फॉलो कर चुके है गुरु नानक दी, संगत उहदे विच कोई भी बैठा है, धर्मी अनधर्मी किसी भी धर्म का बंदा बैठा है, वह संगत रूप विच है। सिख वह है जिहड़ा गुरु नानक साहब दी विचार नूं प्रवान कर चुके है, ते जिहड़े ने गुरु नानक साहब दी विचार नूं अजे प्रवान नहीं कीता पर संगत विच आके सुणदा है गल, वह संगती रूप विच आ गया, उहनूं संगत आखिया। सिखी अतै संगती पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथा अतोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कढ़े तुद सब परवारिया। ते फिर कहन लगे, जिनी तू सेविया भाओ कर, से तुद पार उतारिया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। ते अंतली जिथे मैं गल ते पुजना चाहना, गुर डिठा तां मन सधारिया। मन सधारिया दा की अर्थ करोगे? जदों गुरु रामदास साहब दा दर्शन किया, मेरे मन च लभ सी, मेरे मन च लोभ सी, मेरे मन च क्रोध सी, तो गुरु रामदास साहब दा दीदार करदियां ये सारे दे सारे शांत हो गए, मेरा मन सुधर गया। कहन लगे, देख रूप अत अनूप मोह महा मग भई, किकनी शब्द झनत कार खेल पाए जियो। किकनी कहने तड़ागी, जिहड़ी लक नाल बन्नी, उहदे चांदी दे घुंघरू पाए, किसी अमीर ने सोने दे पा लै, किसी गरीब ने कांसी दे ही पा लै, उन्हें आखिया कोई गल नहीं, तड़ागी होई बन्नणी है, काला धागा पाया, किसी ने रेशम डोरी पा लई है। तो ये अपनी अपनी समर्था है। किकनी शब्द वो तड़ागी झनकार उठाती है, छण 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 की आवाज़ देती है जदों भजदे आ। किकनी शब्द झनतकार खेल पाए जियो, फिर कहिंदे काल कलम हुक्म हाथ। गुरु रामदास साहब ये समा तुहाडे हथ च है। काल कलम हुक्म हाथ, कहो कौन मेट सकै, दसो कोई मिटा सकदा। जो गुरु रामदास साहब चाहण ते उहदे कोई उल्ट खिलाफ खड़ा हो जाए तो कोई बदलन का ख्याल करे, कहन लगे नहीं तब्दील कर सकता। काल कलम हुक्म हाथ, कहो कौन मेट सकै ईश। ईश कहने ईश्वर जानी शिव जी। ईश ब्रह्म, ब्रह्म कहने ब्रह्मा। ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो। उन्होंने शिव जी ब्रह्मा जी अपने हिरदे विच वसाना चाहते आ ते अंत विच कहिंदे सत साच श्री निवास आदि पुरख सदा तू ही। सत साच सदा रहण वाला, अटल है जो। श्री निवास इत्थे श्री शब्द जिहड़ा वो माया लई वरतिया गया। थोड़ी जी तवज्जो देना, कुछ थावां ते गुरबाणी विच श्री शब्द जिहड़ा है वो माया लई वरतिया, पर बहुतात इहदा इस्तेमाल श्रोमणी लई होया। बहुतात कादे लई होया? जिवें आ श्री साहब पाईए, ये श्री श्रोमणी, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा श्रोमणी, श्री अकाल तख्त साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब, श्री शब्द लाया ना नाल। इत्थे जिहड़ा अर्थ है उहदा श्री, क्योंकि दुनिया की नज़र विच ये माया सर्वोत्तम है। तो कहन लगे जिन्हों दुनिया उत्तम मानदी है, सच्चे पातशाह गुरु रामदास साहब वो माया तुहाडे चरना विच आके निवास पई करदी है। वो किते बाहर नहीं, तो जे लोड़ींदा ही है, जे तैनूं चाहीदी आ ते आ गुरु रामदास साहब दे दरबार च आके कर नमस्कार, माया दे नाल तेरियां झोलियां भर देणगे। चीज़ ही की आ, ये तो गल ही कुछ नहीं है। सत साच श्री निवास आदि पुरख, फिर कहते सदा तू ही। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाह जियो। हे गुरु रामदास पातशाह, जदों जदों मैं तुहाडे दीदार करदा, तुहाडी सिफत करदा, रसना तेरी सिफत विच मगन होना शुरू हो जाती है। गुरु रामदास पातशाह दी उमरा वधी, बैठन लगे, फिर तुरन लगे, तो माँ बाप ने एक लगन लाई। और ये साडी सारियां दी लोड़ है, असीं करदे हैं, पर उन्होंने थोड़ा होर चंगे ढंग नाल इस किरिया नूं करना आरंभ करिए ताकि साडे घरां विच सिक्खी पनप सके। थोड़ा जिहा समझ लेना। गुरु रामदास पातशाह महाराज जदों तुरन जोगे होए शरीर करके, ते पिता उन्होंने अपने कोल बुलाते ने। द्वारे ते कोई साधु आया, कोई मंगता आया, लोड़वंद आया, वो कौली भर के दाणियां दी जां आटे दी जां कुछ पैसे, कोई भी वस्तु जिहड़ी देनी सी, वो बच्चे नूं आवाज़ देंदे, पुत्र इधर आ, छोटा जिहा बच्चा है तुरदा है, आ लै कौली पकड़, असीं तेरे नाल चलदे हां, साधु दी झोली च पा दे। हुण ये धर्म सिखाया जा रहा है। आ तुसीं भी ते बच्चों नूं धर्म अस्थानां ते लैके आउंदे हो ना। माँ की कुख तो बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा सवा महीने का होया, माँ लैके आ गई। हुण उहनूं पता नहीं भी धर्म की हुंदा, बच्चे नूं की पता, वो तो सवा महीने का, उन्होंने तो अजे माँ का भी पता नहीं, अजे बाप का भी पता नहीं। पर माँ ने लिया के उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब के सामने वह मत्था जमीन ना छुआया, सिर पर हथ रखिया तो मत्था जमीन ना ला दिता। फिर वो सहजे सहजे 6 महीनों का हो गया। हुण माँ वो सिर पर हथ रख के थले नूं दबदी आ, वो तां चुकदा, उन्होंने की पता गुरु ग्रंथ साहब की आ, वो तां नूं चुकदा। फिर वो साल का हो गया, उन्हें आ के फिर मत्था टेकिया, माँ ने फिर सिर नप्या, वो गल समझण लग पिया थोड़ी थोड़ी। 2 साल का हो गया, 3 का हो गया, हुण माँ बाप वाल वेख के मत्था टेकना आरंभ कर दिता। 5 साल का हो गया, वो बहन लग पिया आके संगत विच, कोई कोई गल वो समझ पैन लग गई। वो 10 वरियां का हो गया, वो गुरकथा नूं समझण लग गया। वो 15 18 का हो गया, फिर भटक गया। ते पर समा पा के होया कि जदों भटकना विच पिया, कुछ समा बाहरी कुसंगत ने उन्होंने प्रेरणा दिती, पर जिहड़ा अभ्यास तुसीं बचपन विच कराया ना, जदों 35 तो 40 का होएगा, वह फिर गुरु घर वाल प्रेरित होना शुरू हो जाएगा। वो पर जे बचपन में तुसीं ओदा मत्था गुरु दे हजूर लिया के चुकाया होगा, गुरु रामदास नूं गुरु रामदास साहब दे पिता ते माता हाथ विच पदार्थ पकड़ांदे ने, लै बेटा झोली च पाया। हुण ओह पांदे रहे, उमरा 3-4 सालां दी हो गई। उस तो पहलां 2 साल बाद उसे घर विच हरदास जी दे घर एक होर पुत्र ने जन्म लिया। उन्हां दा नाम रखिया हरदयाल जी। गुरु रामदास साहब दे छोटे भरा, उन्हां दा जिक्र बहुता इतिहास नहीं आउंदा, पर इत्थे ही आके कट ऑफ कर दिंदे ने विद्वान, क्योंकि उन्होंने विशा जिहड़ा है गुरु रामदास साहब दा इतिहास लिखना हुंदा है, ते उन्हां दे नाल कोई बहुता सरोकार नहीं हुंदा भी भरा की सी। तो हरदयाल जी दा जन्म होया 2 साल बाद 1536 विच। फिर 2 साल बाद एक बच्ची दा जन्म होया जिहदा नाम रामदासी रखिया, तो वह 38 दे विच उहदा जन्म होया। जदों ये 2 छोटे भैन भरा ते एक आप परिवार दे 3 बच्चे ने, माता पिता 7 साल की उम्र के करीब करीब चलाना कर गए। थोड़ा समा पहलों पिता तो फिर माता जदों चलाना कर गए तो हुण बाल अनाथां की अवस्था में हो गया। कुछ लोगों ने शरीके दे लोगों ने आख्या हुणे चोर बन जाएगा, किसी ने आख्या भिखारी बन जाएगा, पर उन्होंने की पता सी कि जिन्हों बचपन में माँ बाप ने दूजिया की झोली में पाउणा सिखाया है, वो कदे दूजिया अगे झोलियां नहीं अड्डेगा। जिन्हों ये सिखाया है कि अंदर सच होना चाहिए, वो कदे चोर नहीं बनेगा। तो गुरु की संगत समा पा के गुरु रामदास पातशाह ने इतिहास दोहराया। ये प्रिंसीपल सतबीर सिंह ने लिखिया। वो कहिंदे घुंगणियां की आरंभता लाहौर तो ही हो गई सी। वैसे आम विद्वाना ने जिक्र किया भी आके बासर के होई है, नानी ने घुंगणियां उबाल के दित्तियां ने तां वह छाबड़ी लाउंदे ने। प्रिंसीपल सतबीर सिंह कहते ने लाहौर तो ही आरंभता हो गई। एक गवांढण नूं बुलाया, उन्हें आख्या, बड़ा हित करदी सी बाल नाल, उन्हें आख्या आके कि चाची परिवार है, गुजारा औखा है, तो मैं कोई किरत करना चाहुंदा। बच्चिया तू की किरत करेगा, तू तो बड़ा छोटा है। उन्हें आख्या कोई तो कर सकदा। कहन लगे फिर आ जिहड़ी रावी नदी है ना, ये उत्ते कई लोग निक्कियां निक्कियां चीज़ां वेचते हैं, मैं बच्चे भी देखे ने, तैनूं भी मैं घुंगणियां उबाल देनी है, जाके वेचिया। हुण वो घुंगणियां उबालन तां उत्थे वेचण की शुरुआत हो गई। पर जदों समा आया, किसी साधु ने आके झोली फैलाई सी, घुंगणियां वेचण अजे छाबड़ी भर के लैके ही गए सी। एक बुक पाया, दूजा पाया, तीजा पाया, कहन लगा गल नहीं बनी, छाबा पलट दिता। गुरु की संगत जोत वहा जुगत साहे शह काया फेर पलटी है। तुसीं आखोगे इहदा की मतलब? इहदा मतलब ये कि जदों गुरु नानक साहब 20 रुपये लैके गए वपार लई, तां सारे दे सारे धन नूं खर्च करके साधुआं नूं छका के आ गए। उन्हां दा कई महीनियां दा राशन सौं पाए। ते गुरु नानक साहब दे चौथे सरूप गुरु रामदास साहब ने ये सच्चे सौदे वाला इतिहास फिर तो दोहरा दिता, जिदन साधु की झोली दे विच अपना भरिया होया सारा घुंगणियां दा छाबा पाता। ये दोबारा दोहराया। गुरु रामदास पातशाह महाराज अज जिन्हां दे द्वारे ते पुजण वाला सिख झोली अड के खलोंदा है और झोली अड के कहिंदा है गुरु रामदास सच्चे पातशाह मेरी झोली खाली है, किरपा करके पुत झोली च पा दिओ। मेरी झोली खाली है, किरपा करके धन झोली च पा दिओ। मेरे शरीर च रोग ने, मेरे शरीर दे रोग मिटा दिओ। अज जेड़ा भी गुरु रामदास साहब दे द्वारे चल के जांदा है जां गुरु रामदास साहब नूं हाजिर नाजर मनदा है, ओदी झोली कदे खाली नहीं जे रह सकदी। अज दा दिहाड़ा ऐसा है। अज दा ये दिहाड़ा ऐसा है, ओदी झोली खाली नहीं रह सकदी। पर भावना नाल शरदा नाल गुरु रामदास साहब कोलों मंगिओ। जिन्होंने कहिंदे सी ये भिखारी बन जाएगा जां चोर बन जाएगा, वो ना भिखारी बने ना चोर बने, वो बन गए कि गुरु नानक बन गए। क्योंकि उन्होंने धर्म नूं ज्ञान खंड, ज्ञान खंड तो उन्होंने श्रम खंड ते सच खंड दे सफर नूं तय कर लिया सी। वो गुरु नानक बन गए। गुरु नानक पातशाह महाराज ने जिहड़े बचन बख्शे, अखरी अर्थ करके अगे वधीए। केते ब्रह्म घाड़त घड़ियाँ रूप रंग के वेश, केतिया कर्म भूमि मेर केते केते धूप देश। किन्नियां धरतियां ने ते किन्नियां कर्म भूमियां जिथे जीव अपने अपने कर्म कर रहे ने, बेअंत ने। केते मेर केते किन्ने सुमेर पर्बत ने, एक नहीं। तू उपदेश, ध्रू दे कई उपदेश भी मौजूद हैं। गुरु नानक पातशाह अगलियां पंक्तियां विच किरपा करते हैं। केते इंद चंद सूर कहते किन्ने सारे इंद्र, किन्ने चंद्रमा, किन्ने सूरज, अनगिणत ने इन्हां दा पारावार नहीं कुदरत विच। ते कहते मंडल देश किन्ने सारे ब्रह्मंड रचे ने, ते किन्ने देशां दी अलग अलग थावें रचना कर दिती। कहते सिद्ध बुद्ध नाथ कहते, कहते देवी वेश किन्ने सारे सिद्ध यानी बेअंत सिद्ध, बेअंत नाथ ते बेअंत बुद्ध ते बेअंत सारियां देवियां जिन्हां दे कई वेश ने, वो कुदरत ने पैदा कीतियां हन। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद, कितने सारे देव जानी देवते भाव बेअंत देवते रचे, बेअंत दायंत रचे, ते बेअंत ही उस निरंकार दी कुदरत विच मुनि जन, ते किन्ने सारे रत्ना दे भरे समुंदर, ते समुंदरां दे समुंदर पैदा कर दिते। केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। खानियां चार ने पर साहब अज कहंदे चार नहीं, सानू अजे लभियां नहीं। खानियां चार नहीं, केतियां खानी बेअंत खानियां पैदा कीतियां, ते केते केतियां बाणी, चार बाणियां मनिया गई ने। मेरे को व्याख्या का टाइम नहीं, चार बाणियां मनिया गई ने पर साहब कहते बाणियां भी अनेक रचिया ने। कहते पात नरिंद किन्ने पातशाह ते किन्ने बादशाह राजे इस धरती उत्ते रच दिते। केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। इस धरती उत्ते रह के किन्ने को ओ लोक ने जेड़े ध्यान दे अलग अलग मार्ग इस्तेमाल करते। केतियां सुरती, सुरतियां अलग अलग तरीके नाल लाउंदे ध्यान लाउंदे ने। सेवक कहते किन्ने सारे तेरे सेवक ने। नानक अंत ना अंत, हे नानक आख करते दी कुदरत दा कोई पारावार नहीं। इस कुदरत नू जान के तू इस कुदरत नाल स्नेह कर, किसी नाल नफरत ना कर, किसी नाल द्वैश ना रच। जिदन ये अवस्था बनेगी समझ लै तैनूं कुदरत बारे ज्ञान हो गया, मानो तू नींद विचों जाग पिया है। तो जागिया होया बंदा ही अपने इर्द गिर्द की हो रहा है उन्होंने पछाण सकता है। जदों सुता हुंदा है उदों पत्थरां समान, पशुआं समान, दरख्तां समान है, तो जदों जाग पिया उदों देवतियां समान हो गया। वो ज्ञान खंड की अवस्था विच पहुँच गया, कुदरत का उपासक बन गया। फिर कुदरत विच ही अपना जीवन वो ढाल लैंदा है और कुदरत के अनुकूल चलना आरंभ कर दिंदा है। गुरु साहिब बख्शिश करन, मेरियां भुलां खिमा कर देनियां, गुरु बाणी बचन गुरमत विचारां अपने हिरदियां विच समो लैनियां जी। अदब सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तरिए गुर विचार, नानक बेड़ी सच की। तरिए गुर विचार, तरिए गुर विचार, नानक बेड़ी।